लम्या में महफूज रखना या अल्लाह। मामू, मामू, क्या काम है मामू से? वो काम पे चले गए हैं। सुनो, ससुराल में कोई नया गुल तो नहीं खिला कर आई हो? लग तो नहीं रहा। दूसरी शादी के अभी भी ख्वाब देख रही हो या फिर साथ साथ कोई नए ख्वाब चल रहे हैं? तुम्हारे मामू बता रहे थे कि तुम्हारी सास को पता चल गया तुम्हारे ख्वाब का। हाँ, मैं हकीम साहब के पास जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। लाग है हकीम साहब के पास चली जाओ, वो ना वही है जो तुमने ख्वाब देखे हैं, यही हकीकत है, यही सच है। आधे घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है, कपड़े धोने वाले रखे, आके धो देना। मेरे सर में बहुत दर्द है, तबीयत नहीं ठीक मेरी। अस्तगफिरुल्लाह, बड़ी आई ताबीरें पूछने वाली। हो ना वही है जो इसने देख लिया है, अक्की मनहूस, काली जबान वाली। या अल्लाह मुझे बचाना इससे बस। हाँ भाई, क्यों बुलाया? पूरे 5000 है। ठीक है, असल में मैं सिर्फ पैसे देने आया साहब। बे वीडियो कहाँ है? काशिफ भाई, मैंने सारा कंप्यूटर चेक कर लिया, मगर वहीद भाई एक दिन बाद सारी वीडियो डिलीट कर देते। मैं उस दिन शॉप पे नहीं गया था, मगर साथ वाली शॉप पे एक लड़का है, उसने देखा था उसे। उसको कैसे पता लगा कि हम उसे ढूंढ रहे हैं? वो कस्टमर नहीं लग रहा था, स्टूडेंट लग रहा था। बैग पहनी थी, बाइक पे आया था और कुछ पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा था। कोई आधा घंटा वहीद भाई के साथ बैठे थे। तो कौन है वो शॉप वाला और कहाँ है? अभी तो वो सक्खर गया है, मगर एक दो दिन में आ जाएगा। बेटा वो सक्खर से आया ना, तू उसे मुझसे मिलवाएगा। ठीक है काशिफ भाई। ठीक है काशिफ भाई, ये पकड़ो पैसे। वैसे जिसे आप ढूंढ रहे उसने किया क्या? कहाँ गई? यही तो रखी थी। अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा, क्या बात है? अम्मी, मेरा बैग किसी ने खोला था। नहीं, तुम्हारा बैग क्यों खोलेंगे हम? लगता है कहीं गिर गई। क्या गिर गई? क्या था? नहीं कुछ नहीं, वो मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है। ठीक है, मैं मोबाइल लाती हूँ, लेकिन अपने अब्बू को मत बताना। नहीं बताऊँ। मैंने फैसला कर लिया अब्बू, मैं कराची जा रही हूँ। कोई फायदा नहीं है बेटा। फायदे के लिए नहीं जाना अब्बू, सुकून के लिए जा रही हूँ। मैं बेसुकून नहीं मरना चाहती। पहले भी तो तुम गई थी ना, क्या हुआ? पहले उसके घर का पता नहीं था मेरे पास। वो गुंडा मवाली तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मैं भी कोई कमजोर औरत नहीं हूँ अब्बा। हम कोर्ट कचहरी अदालत का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहाँ कराची में बहुत से एनजीओ के लोग हैं और मीडिया वाले भी। कोई ना कोई तो हमारी मदद करेगा ना अब्बा। और उस काशिफ ने जो मेरे साथ किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अपने बेटे का हक लूंगी मैं और अपना बदला। तुम्हारी नहीं कहानी शुरू हुई भाभी। तुमने उस लड़के अय्यूब की वजह से जहर पी लिया या उस लड़के ने तुम्हें जहर देकर मार दिया। ये तस्वीर इस बात का सबूत होगी कि तुम और अय्यूब एक दूसरे से प्यार करते थे। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने भाभी। तुम्हें मेरे भाई की जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरे भाई को कुछ हो, हम ऐसा होने नहीं देंगे। चाचा, ये हकीम साहब की दुकान क्यों बंद है? बेटा, रात को हकीम साहब का अचानक इंतकाल हो गया। हकीम साहब की उम्र भी तो काफी हो गई थी। बहुत अच्छी जिंदगी जी उन्होंने। हकीम साहब को कहीं ख्वाब में तो नहीं देख लिया? शकीला, मैंने ऐसा क्या कह दिया है भाई? बुरा लग गया। और तुम ये दाल क्यों बना रही हो? चिकन रखी तो है फ्रिज में। डाइटिंग कर रही हूँ मैं। तुम्हारी मोमानी डाइटिंग कर रही है। अरे वही मैं कह रहा था। कोई बात नहीं मामू, मैं दाल ही खा लूंगी। ठीक है मामू। मैंने काशिफ से कहा है कि मुझे अलग घर लेकर दे। इसीलिए मैं पूछ रहा था, कोई बात हुई है क्या? उसकी माँ और बहन मुझसे बहुत लड़ाई करते। उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की है। उस ख्वाब की वजह से? मैंने काशिफ से कह दिया कि मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। काशिफ ने क्या कहा? उसने स्टेट एजेंट से बात की है। तुम इस वजह से आई हो यहाँ? मुझे रोता देखकर काशिफ ने कहा कि 3-4 दिन के लिए मामू के घर चली जा। काशिफ अगर घर देख रहा है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा मुझे नहीं लगता कि उसके घर वाले उसे अलग घर लेने देंगे। काशिफ ने कसम खाई है